नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास आपके सम्मुख पंचतंत्र की कहानियां लेकर उपस्थित हुई हूँ। इसके उसके कहने पर जो छोड़े घर के ठाट, वो नदी किनारे बैठ के बस जो है सबकी बात। आज की इस कथा में हम चार कहानियां सुनेंगे, ना घर का ना घाट का, घमंडी का सर नीचा, राजनीतिज्ञ गीदड़ और श्वान अर्थात कुत्ते का बैरी कुत्ता। ना घर का और ना घाट का। विचित्र चरिता स्त्रिय। स्त्रियों का चरित्र बड़ा अजीब होता है। स्वजनों को छोड़कर परकियों के पास जाने वाली स्त्रियां परकियों से भी ठगी जाती हैं। एक स्थान पर किसान पति पत्नी रहते थे। किसान वृद्ध था, पत्नी जवान थी। अवस्था भेद से पत्नी का चरित्र दूषित हो गया था। उसके चरित्रहीन होने की बात गांव भर में फैली हुई थी। एक दिन उसे एकांत में पाकर एक जवान ठग ने कहा, सुंदरी, मैं भी विदुर हूँ और वृद्ध की पत्नी होने के कारण तू भी विधवा समान ही है। चलो हम यहाँ से दूर भागकर प्रेम से रहें। किसान की पत्नी को यह बात पसंद आई। वह दूसरे ही दिन घर के सारे धन आभूषण लेकर ठग के पास पहुंच गई। दोनों दक्षिण दिशा की ओर वेग से चल पड़े। अभी दो कोस ही गए थे कि नदी आ गई। वहां वह दोनों ठहर गए। जवान ठग के मन में पाप था। वह किसान पत्नी के धन पर हाथ साफ करना चाहता था। उसने नदी को पार कराने के लिए सुझाव दिया। पहले वह संपूर्ण धन जेवर की गठरी बांधकर दूसरे स्थान पर रखाएगा, फिर आकर सुंदरी को सहारा देते हुए पार पहुंचा देगा। किसान पत्नी मूर्ख थी, वह ये बात मान गई। धन आभूषणों के साथ वह पत्नी के कीमती वस्त्र भी ले गया। किसान पत्नी निपटी कोरे वस्त्रों में रह गई। इतने में वहां एक गीदड़ी आई। उसके मुख में मांस का टुकड़ा था। वहां आकर उसने देखा कि नदी किनारे एक मछली बैठी है। उसे देखकर वह मांस के टुकड़े को वहीं छोड़कर मछली मारने किनारे तक पहुंच गई। इसी बीच एक गिद्ध आकाश से उतरा और झपट कर मांस का टुकड़ा दबोच कर ले गया। उधर मछली भी गीदड़ी को आता देखकर नदी में कूद गई। गीदड़ी दोनों ओर से खाली हो गई। मांस का टुकड़ा भी गया और मछली भी गई। उसे देखकर किसान पत्नी ने कहा, गीदड़ी, गिद्ध तेरा मांस ले गया और मछली पानी में कूद गई, अब आकाश की ओर क्या देख रही है? गिदड़ी ने भी शीघ्रता से प्रत्युत्तर दिया और बोली, तू मुझ पे क्या हंसती है? तेरा भी तो यही हाल है। ना तेरा पति तेरा रहा और ना ही वह सुंदर युवक। तेरा समस्त धन लेकर वह तो निकल लिया। मगर यह कहानी सुना ही रहा था कि एक दूसरे मगर ने आकर सूचना दी, मित्र, तेरे घर पर भी दूसरे मगरमच्छ ने राज कर लिया है। यह सुनकर मगर और भी चिंतित हो गया। उसके चारों ओर विपत्तियों के बादल उमड़ रहे थे। उन्हें दूर करने का उपाय पूछने के लिए वह बंदर से बोला, मित्र, मुझे बता कि साम दाम भेद आदि में से किस उपाय से मैं अपने घर पर अधिकार वापस प्राप्त करूं? बंदर बोला, कृतघ्न, मैं तुझे कोई उपाय बताऊं? अब तू मुझे मित्रता की बात कह रहा है? तेरा विनाश काल आ गया है। सज्जनों के वचन पर जो नहीं चलता उनका विनाश अवश्य होता है, जैसे घंटोक्ष का हुआ था। मगर ने पूछा, कैसे? तब बंदर ने उसे ये कथा सुनाई। घमंड का सर नीचा। सत्ताम वचनम आदिष्टम मदेन न करोति च स विनाशम वापनोति घंटोष्ट्र इव सत्वरम। सज्जन की सलाह ना मानने वाला और दूसरों से विशेष बनने की यत्न करने वाला सदैव ही मारा जाता है। एक गांव में उज्ज्वलक नाम का बड़ा ही रहता था। वह बहुत गरीब था। गरीबी से तंग आकर वह गांव छोड़कर दूसरे गांव के लिए चल पड़ा। रास्ते में घना जंगल पड़ता था। उसने वहां देखा कि एक ऊंटनी प्रसव पीड़ा से तड़फड़ा रही है। ऊंटनी ने जब बच्चा दिया तो वह ऊंट और उसके बच्चे और ऊंटनी को लेकर अपने घर आ गया। वहां घर के बाहर ऊंटनी को खूंटे से बांधकर वह उसके खाने के लिए पत्तों भरी शाखाएं काटने वन में चला गया। ऊंटनी ने हरी हरी कोंपले खाना शुरू किया। बहुत दिन इसी तरह हरे हरे पत्ते खाकर ऊंटनी स्वस्थ और पुष्ट हो गई।
ऊंट का बच्चा भी बढ़कर जवान हो गया। बड़ई ने उसके गले में घंटा बांध दिया जिससे वह कहीं खो ना जाए। दूर से ही उसकी आवाज सुनकर बड़ई उसे घर ले आता। ऊंटनी के दूध से बड़ई के बच्चे भी पल गए। ऊंट भार ढोने के काम भी आ गया। उस ऊंट ऊंटनी से ही उसका व्यापार चलता रहा। यह देखकर उसने एक धनिक से कुछ रुपया उधार लिया और गुजर देश में जाकर वहां से एक और ऊंटनी ले आया। कुछ दिनों में उसके पास अनेक ऊंट ऊंटनियां हो गए। उनके लिए रखवाला भी रख दिया। बड़ई का व्यापार चमक उठा। घर में दूध की नदियां बहने लगी। शेष सब तो ठीक था किंतु जिस ऊंट के गले में घंटा बंधा था वह बहुत गर्वित हो गया था। वह अपने को दूसरों से विशेष समझता था। जब ऊंट वन में पत्ते खाने को जाते तो वह सबको छोड़कर अकेला ही जंगल में घूमा करता था। उसके घंटे की आवाज से शेर को यह पता चल जाता था कि ऊंट किधर है। सबने उसे मना किया कि यह गले से घंटा उतार दे लेकिन वह नहीं माना। एक दिन जब सब ऊंट वन में पत्ते खाकर तालाब से पानी पीने के बाद गांव की ओर लौट रहे थे तब वह सबको छोड़कर जंगल की सैर करने अकेला निकल गया। शेर ने भी घंटे की आवाज सुनी और उसका पीछा किया और जब शेर उसके पास आया तो उसने झपट कर उसे मार दिया। बंदर ने कहा, तभी मैंने कहा था कि सज्जनों की बात अनसुनी करके जो अपनी ही करता है वे विनाश को निमंत्रण देता है। मगर बोला, तभी तो मैं तुझसे पूछता हूँ, तू सज्जन है, साधु है, किंतु सच्चा साधु तो वही है जो अपकार करने वालों के साथ भी साधुता करे, कृतघ्नों को भी सच्ची राह दिखलाए। उपकारी के साथ तो सभी साधु होते हैं। यह सुनकर बंदर ने कहा, तब मैं तुझे यही उपदेश देता हूँ कि तू जाकर उस मगर से जिसने तेरे घर पर अनुचित अधिकार किया है युद्ध कर। नीति कहती है कि शत्रु बलि है तो भेद नीति से काम ले, नीच है तो दाम से, और सम शक्ति है तो पराक्रम से ही उस पर विजय प्राप्त होती है। मगर ने पूछा, यह कैसे? तब बंदर ने गीदड़ शेर और बाघ की यह कथा सुनाई। राजनीतिक गीदड़। उत्तम प्रणिपातेन शूरम भेदेन योजित नीचम अल्प प्रदानेन सम शक्ति पराक्रमेन। उत्कृष्ट शत्रु को विनय से, बहादुर को भेद से, नीच को दान द्वारा और सम शक्ति को पराक्रम से ही वश में करना चाहिए। एक जंगल में महाचतुर नाम का गीदड़ रहता था। उसकी दृष्टि में एक दिन अपनी मौत आप मरा हुआ हाथी पड़ गया। गीदड़ ने उसकी खाल में दांत गड़ाने की बहुत कोशिश की लेकिन कहीं से भी उसकी खाल उधेड़ने में उसे सफलता नहीं मिली। शेर की खाल बहुत मोटी होती है ना। उसी समय वहां एक शेर आया। शेर को आता देखकर वह साष्टांग प्रणाम करने के साथ हाथ जोड़कर बोला, स्वामी मैं आपका दास हूं, आपके लिए ही इस मृत हाथी की रखवाली कर रहा हूं, आप अब यथेष्ट भोजन कीजिए। शेर ने कहा, गीदड़ मैं किसी और के हाथों मरे जीव का भोजन नहीं करता, भूखे रहकर भी मैं अपने इस धर्म का पालन करता हूं, अतः तू ही इसका आस्वादन कर, मैंने तुझे इसे भेंट कर दिया। शेर के जाने के बाद वहां एक बाघ आया। गीदड़ ने सोचा, एक मुसीबत को तो हाथ जोड़कर टाल दिया, इसे कैसे टालूं? इसके साथ भेद नीति का ही प्रयोग करना चाहिए। जहां साम दाम की नीति ना चले वहां भेद नीति ही अपना काम करती है। भेद नीति ही ऐसी प्रबल है जो मोतियों को भी माला में बांध देती है। यह सोचकर बाघ के सामने ऊंची गर्दन करके गया और बोला, मामा इस हाथी पर दांत न गड़ाना, इसे शेर ने मारा है, वह भी नदी पर स्नान करने गया है और मुझे रखवाली के लिए छोड़ गया है। वह यह भी कह के गया है यदि कोई बाघ आए तो मैं उसे बता दूं जिससे वह सारा जंगल बाघों से खाली कर दे। गीदड़ की बात सुनकर बाघ ने कहा, मित्र मेरी जीवन रक्षा कर, प्राणों की भिक्षा दे, शेर से मेरे आने की चर्चा भी ना करना। यह कहकर बाघ वहां से भाग गया। बाघ के जाने के बाद वहां एक चीता आया। गीदड़ ने सोचा, चीते के दांत तीखे होते हैं, इससे हाथी की खाल उधड़वा लेता हूं। यह सोचकर वह उसके पास जाकर बोला, भगिनी सूत क्या बात है, बहुत दिनों में दिखाई दिए, कुछ भूख से सताए मालूम होते हो, आओ मेरा आतिथ्य स्वीकार करो। देखो यह हाथी शेर ने मारा है, मैं इसका रखवाला हूं, जब तक शेर नहीं आता
तब तक इसका मांस खाकर जल्दी से भाग जाओ, मैं उसके आने की खबर तुम्हें दे दूंगा। कीदर थोड़ी दूर पर खड़ा हो गया और चीता हाथी की खाल उधेड़ने में लग गया। जैसे ही चीते ने एक दो जगह से खाल उधेड़ी, वैसे ही गीदड़ चिल्लाकर बोला, शेर आ गया, भाग जा। चीता यह सुनकर भाग खड़ा हुआ। उसके जाने के बाद गीदड़ ने उधड़ी जगह से मांस खाना शुरू कर दिया, लेकिन अभी एक दो ग्रास ही खाए थे कि एक गीदड़ और आ गया। गीदड़ तो उसका समशक्ति ही था, इसलिए वह उस पर टूट पड़ा और उसे दूर तक भगा कर आया। इसके बाद बहुत दिनों तक वह हाथी का मांस खाता रहा। यह कहानी सुनाकर बंदर ने कहा, तभी तुझे भी कहता हूँ कि वह स्वजातीय है, युद्ध करके अभी निपट ले, नहीं तो उसकी जड़ जम जाएगी, वही तुझे नष्ट कर देगा। स्वजातियों का यही दोष है कि वही विरोध करते हैं जैसे कुत्तों ने किया था। मगर ने कहा, कैसे? बंदर ने तब कुत्ते की यह कथा सुनाई। कुत्ते का बैरी कुत्ता। एको दोषो विदेशस्य स्वजातिर द्विरुद्धेते। विदेश का यही दोष है कि वहाँ स्वजातीय ही विरोध में खड़े हो जाते हैं। एक गांव में चित्रांग नाम का कुत्ता रहता था। वहाँ दुर्भिक्ष पड़ गया, अन्न के अभाव में कई कुत्तों का वंश नाश हो गया। चित्रांग ने भी दुर्भिक्ष से बचने के लिए दूसरे गांव की राह ली। वहां पहुंचकर उसने एक घर में चोरी से जाकर भरपेट खाना खा लिया। जिसके घर खाना खाया था उसने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन घर से बाहर निकला तो आसपास के सब कुत्तों ने उसे घेर लिया। भयंकर लड़ाई हुई। चित्रांग के शरीर पर कई घाव लग गए। चित्रांग ने सोचा, इससे तो अपना गांव ही अच्छा है जहां केवल दुर्भिक्ष ही है, जान के दुश्मन कुत्ते तो नहीं है। यह सोचकर वह वापस आ गया। अपने गांव आने पर उससे सब कुत्तों ने पूछा, चित्रांग दूसरे गांव की बात सुना, वह गांव कैसा है, वहां के लोग कैसे हैं, वहां खाने पीने की चीजें कैसी हैं। चित्रांग ने उत्तर दिया, मित्रों उस गांव में खाने पीने की चीजें तो बहुत अच्छी हैं और गृह पत्नियां भी नरम स्वभाव की हैं, किंतु दूसरे गांव में एक ही दोष है, अपने जाति के ही कुत्ते बड़े खूंखार हैं। बंदर का उपदेश सुनकर मगरमच्छ ने मन ही मन निश्चय किया कि वह अपने घर पर स्वामित्व जमाने वाले मगरमच्छ से युद्ध करेगा। अंत में यही हुआ। युद्ध में मगरमच्छ ने उसे मार दिया और देर तक सुखपूर्वक उस घर में रहता रहा।